अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो, लड़के वाले आते होंगे। सुबह 5 बजे पुणे से गाड़ी निकली है, चलो चलो। आप तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे लड़के वाले प्लेन के ऊपर से आने वाले। प्लेन से ही आते, पर यहाँ पे रनवे नहीं है ना, प्लेन से कैसे आएंगे। ये आ गई क्या फिर से? बहुत अच्छे समय पे आई हो तुम, इसके मुंह के ऊपर कर दो लैंडिंग। श्रेया की दादी, आप फिर से मेरे मुंह का मजाक उड़ा रही हो। ब्रांडेड मुंह है मेरा, मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा पति ब्रांडेड, सास नहीं ब्रांडेड, इग्नोर हर। ओ ब्रांडेड मुंह वाली, तुम्हारे ब्रांडेड मुंह की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, चली जाओ अपनी ब्रांडेड दुनिया में। इसके मुंह के सामने तो बुर्ज खलीफा भी फीका पड़ जाएगा। शीला, ए शीला, आ जरा जल्दी आ। माता शीला, कोई जरूरत नहीं है। ललिता, क्या प्रॉब्लम है तुझे मुझसे? प्रॉब्लम से भला क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम अपने आप ही प्रॉब्लम होता है जिससे बाकियों को प्रॉब्लम होती है। हैं? भाई भाई भाई, बड़ी ससुमा, ससुमा आपको प्रॉब्लम बोल रही है। मैनर्स ने सवरत, तू घर के लोगों को आग लगा के स्वाहा कर दे। क्या बात कर रही हो आप ससुमा? सुन भाई, शीला को बुलाओ जल्दी जल्दी, फास्ट। बुलाती हूँ बुलाती हूँ। शीला, ए शीला, जरा इधर तो आ। बोलिए भाभी, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? तेरी बड़ी मम्मी को तुझसे कुछ बात करनी है। वे, आप तो तैयार नहीं हुई, तुझे देखने आज लड़के वाले आ रहे पुणे से, जा जल्दी तैयार हो। क्या मुझसे ज्यादा तो आप ही लड़के को देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो। बस बस, बहुत हंसी मजाक। ए पोरे, जा जल्दी तैयार हो। क्या पहली बात, मुझे कोई लड़का ही नहीं देखने तो मैं तैयार क्यों हूँ? हाँ तो काई करो, एक आरते ज्यादा मत बोल मेरे सामने, जितना बोला उतना कर, तेरी बड़ी मम्मी हूँ, समझी ना, चल जा। भाड़ में जाओ, नहीं देखना है मुझे कोई लड़का। अगो भाई, अगर इसने ऐसा किया उनके सामने, नाक कट जाएगी मेरी, पहले ही छोटी है। बहुत हुआ, क्या समझ के रखा है, जा रही हूँ मैं, नहीं लेना है मुझे ऐसे घर में जहाँ पे मेरी कोई सुनता ही नहीं है, सब खुद की कर रहे हैं। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा आपको, जा रही हो घर छोड़ के। अगो भाई, जा रही हो घर छोड़ के, क्यों जा रही हो? खुश? अब तो आप बहुत खुश होंगी, अब तो पहले से ही चाहती थी मैं इस घर में ना हो, जापानी रहूं हमेशा के लिए। भाई मैं क्यों खुश होंगी, नहीं मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, माना मैं थोड़ी सी हरकतें करती हूँ, पर इतनी बुरी नहीं हूँ मैं शीला, दिल की बहुत साफ हूँ। शीला मत करो ऐसा, क्यों कर रहे हो तमाशा? सबको बस मेरी शादी की पड़ी है, मेरी किसी को नहीं पड़ी। भाई इतना गुस्सा अच्छा नहीं सेहत के लिए। शीला, शीला क्या कर रही है? बोल रही है घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ घर छोड़ के जा रही है, क्यों जा रही है घर छोड़ के? शादी तो होके रहेगी। यही दिन देखने के लिए इतना सब किया हमने, क्यों? 6 लाख का कर्जा निकाल के तुम्हें जापान भेजा पढ़ाई करने के लिए, ये दिन देखने। प्रकाश जी चले गए, बहुत अच्छे प्रकाश जी। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की, ये दिन देखने। पापा? क्या पापा, मत बोलो मुझे पापा, नहीं हो मैं तुम्हारा पापा। मत बोलिए ऐसा, कैसा लग रहा होगा बेचारी को, क्या सोच रही होगी वो? क्यों सोचू, वो हमारे बारे में सोचती है, हम क्यों उसके बारे में सोचे? अब पंछी बड़ा हो गया है, जापान जाके पंख भी आ गए उसके, उड़ना चाहता है तो उड़ने दो, क्यों रोके हम? जा बेटा, जाना है ना तुझे, जा जा अभी, जा ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ, जा। बहुत हुआ पापा, नहीं बहुत हुआ, अब चाहते हो ना मैं लड़का देखू, ठीक है देखूंगी मैं लड़का। शीला, मम्मी देखने दो मुझे। बस लड़का देखना मत, लड़के को पसंद भी करना। तो मेरी मर्जी है, आप मत मुझे बताइए। बोल बोल और उल्टा फिर के बोल। भाभी आप छोड़िए ना, अब वो मान गए ना लड़का देखने के लिए, हम आगे की तैयारी करते। हाँ हाँ करते तैयारी, चलो चलो चलो। सुबह से ढूंढ रही थी, अब मिला है। बाय 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 शीला, बहुत अच्छी दिख रही हो। हो जा बेटा, आज के दिन कर ले सहन, हम तेरी आज शादी नहीं करने वाले, सुबह से ड्रामा कर रही है।
माँ। क्या हुआ, इतना दौड़ दौड़ के ऊपर क्यों आया है? तेरे पीछे क्या कुत्ता लगा है? वो शीला को जो लड़का देखने आने वाला है ना। हाँ, उसका क्या? फ्रॉड एक नंबर का। क्या बात कर रहा है, केकड़े? हाँ माँ, बड़े पापा ने उनका फोटो दिखाया मुझे सुबह। मेरा दोस्त है ना, उसके चाचा है, उसका छोटा भाई है वो, मैं जानता हूँ उससे। कुछ नहीं करता, नल्ला घूम रहा है वो। पर वो तो पायलट है ना। पायलट? अरे छत के ऊपर बैठ के कागज के प्लेन उड़ाता है वो। क्या बात कर रहे हो भैया। हाँ शीला, देखा मम्मी, मैंने आपको कहा था ना, बड़ी मम्मी ने जानबूझ के ऐसा किया, वो चाहती नहीं मेरा अच्छा हो। तेरी बड़ी मम्मी की ऐसी नहीं बोलती अभी, बहुत बुरा किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम एक काम करते हैं, अभी जाके पापा को बताते हैं। हाँ चलो चलो, उनके भैया भाभी का पर्दाफाश करते हैं। नहीं नहीं शीला, हम अभी नहीं जाते। भाभी, अब क्या शादी का इंतजार कर रही हो? और नहीं तो क्या बहू, कब तक इंतजार करे? अब सिर के ऊपर से पानी जा रहा है। अगर अभी जाके ससुर जी को बताएंगे तो ससुर जी को ऐसा लगेगा शीला ने हमको बहला फुसला के उसकी तरफ से कर लिया। शर्मिला बराबर बोल रही है, अभी नहीं कहते, पापा नहीं मानेंगे हमारी। चलते है ना मेरा दिमाग। बात तो बराबर की तूने, दिमाग है तेरे पास। वेट एंड वॉच करते, आने दो लड़के वाले। तुम एक काम करना, लड़का पायलट है ना, ऐसा उसकी माँ ने कहा है, तो कुछ क्वेश्चन करना, देखते हैं आंसर दे पाता है कि नहीं। अगर नहीं दिया, सबके सामने उसकी पोल खोली, तो फिर बाद में हमको जो करना है हम करेंगे। वो तो भाग ही जाएंगे। अगर वैसा हुआ तो और उत्तम। और तेरी बड़ी सासू माँ ससुर जी का क्या करे, घर में आके बैठे फेविकोल की तरह चिपक के। उसका आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उनका क्या करना है ना, मैं देखती हूँ। किल बिल सुर, हाँ यही होगी। डब्बे अटक गया, ऊपर अटक गया। क्या कर रहा है, वहां पर भी प्लेन उड़ाता है, यहाँ पर भी प्लेन उड़ाता है। लड़की देखने आए तुझे, एक तो पहले झूठ बोला है, तू पायलट है, कागज के प्लेन उड़ाता है। छोड़ दे वो, एकदम चुप, एकदम शांत। अच्छा बच्चा बन, संस्कारी बन। तू लड़का है, थोड़ा तो तेरा ढिड बन। कौन गा भाई तू? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से ना डरियो। ए झूठ नहीं बोल रहे, कोई झूठ नहीं है, पायलट है पायलट। नमस्कार। आओ आओ अंदर आओ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए ना बेटी है, बेटी है। या ना या बसा बसा बसा, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ, इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी बड़े दिनों बाद तुमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा हो गया आपका बेटा, पायलट बन गया क्या फिर पायलट साहब? हाँ। कागज के प्लेन उड़ते? नहीं भाभी बता रही थी आपके लड़के के बारे में, बहुत बताया भाभी ने। मम्मी लड़के लड़के बुलाओ बुलाओ, शीला को बुलाओ। बुलाते ना बुलाते, जरा शांति। शीला, ओ शीला भाई आइए जरा। आ रही आ रही लड़की, आ रही। ये लड़की या लड़का है? लड़की का वो हेयर कट। हाँ उसका हेयर कट थोड़ा भी जापान में गई थी ना, कर दिया अभी आजकल के बच्चे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। ये हमारी बेटी शीला। शीला बैठ। तो ये है आपका बेटा? हाँ हाँ, पायलट पायलट। ओहो, कौन से कंपनी में हो आप? कंपनी कौन सा होता है? बहुत सारी कंपनी है ना इंडिया में। एयर इंडिया। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं पायलट बनने की राइट एज क्या होती है? आप उसी में हो ना, पता होगा आपको।
ऐसे कैसे इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन कर रही है आपकी बेटी? नहीं, देखने का कार्यक्रम है, अजीब बीच में डाल रही है मसाला। पायलट है ना आपका बेटा, पता तो होना चाहिए। शिला, क्या कुछ भी सवाल पूछ रही हो तुम? पापा मुझे पूछने दो। अच्छा वो सब छोड़िए, प्लेन उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? क्या हुआ पायलट? टॉयलेट आ गए? लगता है इनको पता चल गया इसके बारे में। नहीं नहीं, बहुत बुरा हुआ। बेटा बता तो। बोलिए बोलिए। भाभी कैसे पता होगा इनको, ये तो कागज के जहाज उड़ाते हैं। भाभी। मम्मी मेरा प्लेन। देखा पापा कितना बड़ा पायलट है ये। बड़ी मम्मी कहां से रिश्ता ढूंढ के लाया आपने मेरे लिए? और आप दोनों रुकिए रुकिए, कहां जा रहे हो? बैठ जाइए, बात कीजिए, लड़की को देखने आए हो ना आप? देखो देखो कैसे भाग रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे की जिंदगी खराब करना चाहती थी ना आप जेठानी जी? बोलिए बोलिए, मुंह में दही जम गया, निकलो बाहर। देखिए आपकी प्यारी भाभी। भाभी देखो कैसे देख रही है। अबे अबे क्यों आंखें नीचे कर दी, आंखें ऊपर बात कीजिए, वैसे तो बड़े ऐसे चलती है। वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग है मेरी। सच में शर्मिला का प्लान काम कर गया। प्रकाश जी मैं जाती हूँ, गांव जाती हूँ अभी, वापस अभी बस है, जाती हूँ अभी की बस से जाती हूँ। ऐसे कैसे आपको ऐसे नहीं जाने देंगे हम। मेरी माँ जब भी कोई इंसान घर पे आता है तब उसके ऊपर खातिरदारी टोटका करती है, आपके ऊपर भी होगा। खातिरदारी का टोटका क्या होता है? ओ कहाँ जा रहे हो आप सब, मुझे ऐसे अकेले को छोड़। गाइस आज से हमारे एपिसोड्स फेसबुक के पेज पर भी आएंगे। जी हाँ, हमने नया फेसबुक का पेज ओपन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और उसको लाइक एंड फॉलो कीजिए।